अभी से सो खाने है घर गाइस, पहुंचने वेलकम बैक वाले टू माय हैं। आप यूट्यूब कब तक चैनल रहे राहुल ब्लॉग्स देखने के एंड लिए? फोटोग्राफी। कैसे हो आप सब? होप सो सारे अच्छे होंगे। आज मैं आया हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रुहिया ग्राउंड पे। सो फ्रेंड्स, ये जो मैं टूर्नामेंट है, ये 7-a-side टूर्नामेंट है और इसमें 20 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। एंड ये टूर्नामेंट 3 डेज चलने वाला है। सो आपको जब भी टाइम मिले आप आके यहाँ पे देख सकते हो। मॉर्निंग 8:50 से 8:30 से शायद मैच स्टार्ट हो गया था। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ एंजॉय करिए इस 7-a-side फुटबॉल टूर्नामेंट को। केरला 11 से खेलते हैं। अरे दादा, मणिपुर 11 वर्सेस यूनाइटेड टर्मिनेट। फ्रेंड्स, अभी आप ऑरेंज जर्सी में जो देख रहे हैं वो है सीएफए की टीम और रेड एंड ब्लैक जर्सी में है यूएस स्पोर्टिंग। दोनों टीमों के बीच काफी अच्छा मैच चल रहा है। अभी सीएफए की टीम साइड किक लेगी। ये काफी अच्छा सेव यूएस स्पोर्टिंग के प्लेयर द्वारा। फिर से बॉल यूएस स्पोर्टिंग के पास, बॉल देखते हैं गोल होता है कि नहीं, लेकिन ये बॉल बाहर चली गई। कॉर्नर की मांग, अभी यूएस स्पोर्टिंग को कॉर्नर मिला। सो देखते हैं ये कॉर्नर को गोल में तब्दील कर पाते हैं या नहीं। गोल होते हुए तैयार है कल्लू ने। तो इन्होंने शूट लिया लेकिन यूएस स्पोर्टिंग के प्लेयर्स ने बॉल मिस कर दिया और वो साइड आउट चली गई। क्राउड भी आई हुई है यहाँ पे। आज धूप बहुत ही ज्यादा है इसलिए सब लोग छोड़ के छाए खोज कर बैठे हुए हैं। काफी अच्छा मैच देखने को मिलेगा। लेकिन एक बार फिर से यूआई स्पोर्टिंग के प्लेयर के पास, लेकिन उन्होंने फिर से मिस किया और अभी बॉल सीएफए के प्लेयर्स के पास है। और फिर से एक मौका हो सकता है। अभी हाफ टाइम हो चुका है, 5 या 10 मिनट का रेस्ट होगा, उसके बाद फिर से मैच स्टार्ट होगा। नाम सामने जानते हैं और ये आपको आज धूप बहुत ही ज्यादा तेज है इसलिए प्लेयर्स थोड़े एग्जॉस्ट हो गए हैं। तैराकी गई पहुंच चुके हैं ये हिमालय। हाफ टाइम के बाद फिर से मैच स्टार्ट हो चुका है। रिंकू भैया जहाँ कहीं भी हो, अभी सीएफए के प्लेयर के पास साइड किक और उन्होंने किक किया अपने दूसरे प्लेयर को। काफी अच्छा पास जा रही है, एक बार तालियां। बहुत ही अच्छा बचाव यूएस स्पोर्टिंग के प्लेयर द्वारा। सीएफए के प्लेयर के पास कॉर्नर शॉट, उन्होंने कॉर्नर शॉट लिया अपने दूसरे प्लेयर को पास किया। काफी अच्छा बचाव डिफेंस द्वारा यूएस स्पोर्टिंग के। मैच में फेर बदल होगा और 6 नंबर और 6 नंबर ने अच्छा पास दिया यहाँ पे 26 नंबर अमित को। फ्रेंड्स, आज धूप बहुत ही ज्यादा है, चेतावनी है, बट फिर भी मैच बहुत ही अच्छा चल रहा है। पहुंचे सीएफए के प्लेयर के पास बॉल और उन्होंने अपने साथी प्लेयर को पास किया और वो पास छोटा छोटा मूव्स बना रहे हैं ताकि वो गोल कर सके। कार्रवाई हो जाएगी आपके खिलाफ। यहाँ सीएफए की टीम काफी अच्छा खेल रही है। काफी अच्छा पास युवा द्वारा, उन्होंने हाफ से पहले एक गोल स्कोर कर दिया है और फिर से एक बार बॉल, लेकिन सीएफए के प्लेयर ने मिस किया। अगेन यूएस स्पोर्टिंग के प्लेयर्स के पास बॉल है और ये युवा वाला उनके खेमे में बॉल यहाँ पे और ये मैच में आपसे आने की काफी अच्छा डिफेंस यहाँ पे रोहित पांडे द्वारा और ये फिर से एक बार अच्छा प्रयास यहाँ पे राजू तड़पत राव के पास बॉल और ये बाबूलाल के पास बॉल और ये क्या अपने शूट आउट और ये रहे गोली ने बाहर आके काफी अच्छा डिफेंस किया और ये मौका है अपनी गलती सुधारने का जो इन्होंने गोल खा दिया था। अभी वह स्पोर्टिंग के प्लेयर्स पास बनाते हुए गोल करने के लिए, बट काफी अच्छा बचा सीएफए के प्लेयर द्वारा। फिर से एक बार बॉल यूएस स्पोर्टिंग के प्लेयर के पास, उन्होंने अपने साथी प्लेयर को पास दिया। मौका
लिया आराम से बढ़िया। पॉलुस के पास बॉल और पॉलुस ने अच्छी कितनी यहाँ पे उनके पापा 10 नंबर का काफी अच्छा शूट लेकिन उतना ही अच्छा बचाव देखने को पहली बार देखने को मिला लेकिन उतनी अच्छी गोली शॉट लेने के लिए तैयार हुए के प्लेयर इस बार साइड आउट किक मिलेगा सीएफए के प्लेयर्स बॉल लेकर भागते हुए काफी अच्छा मूव्स बनाया उन्होंने और ये शानदार गोल और ये काफी अच्छा गोल देखने को मिला सीएफए की टीम ने एक और गोल किया और लीड हो गई है 2-0 रेफरी की विसिल और फिर से ये मैच स्टार्ट होता हुआ कुछ ही सेकंड बचे हुए हैं मैच समाप्त होने में बढ़िया गोल मारा देखते ही बनता है और ये रेफरी के विसिल इस मैच को सीएफए की टीम ने 2-0 से जीत लिया है काफी अच्छा मैच रहा काफी अच्छा मैच था दोनों टीमों के बीच में अजय जी ने बहुत ही बढ़िया खेला है एक बार हम सभी दर्शकों को बाय बाय गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्लीज मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को एंजॉय करिए एंड हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें टिंग टिंग